Hello and I welcome you all to my YouTube channel Study in My Way, and in this video we are going to learn meaning and essentials of contract. First of all, we will be discussing what is law. See, law means a set of rules. एक set of rules को हम law कहते हैं. अगर हम broad basis पे बात करते हैं तो law may be defined as the rules of conduct recognized and enforced by the state to control and regulate the conduct of people, to protect their property and contractual rights with a view to securing justice, peaceful living and social security. Since the value of society keeps on changing, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं वो बदलते रहते हैं, और इसीलिए कानून का भी डायनेमिक होना ज़रूरी है. यानी कि डायनेमिक होने का मतलब है कि वो समय से समय, मतलब समय अनुसार वो बदलता रहे, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, लोगों के सुरक्षा के दायरे से, और जो बदलाव हो रहे हैं उनके साथ साथ वो चलता रहे. और लॉ का डायनेमिक होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो पुराने कानून रहे हैं, क्योंकि कानून का जो बनने का जो बेसिस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे. देन फिर आपका इसको समझना और आसान हो जाएगा. ओके, सी देर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ लॉ, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, और कई सारे. और हर एक ब्रांच जो है लॉ की वो रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी को. अब क्वेश्चन आता है कि लॉ को समझना क्यों ज़रूरी है, या फिर लॉ का जानना क्यों ज़रूरी है. इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मान के चलिए आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक. अब जिस आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपने उसकी टिकट नहीं ली है. जब आपके पास टीटी आते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि किस तरह की टिकट, मुझे पता ही नहीं था कि टिकट भी लेनी होती है, या इस तरह से. क्या वो इस एक्सक्यूज़ को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे. इसका रीज़न ये नहीं है कि वाकई में आपने एक इग्नोरेंस में वो गलती हुई है, या इंटेंशनली किया है और फिर आप झूठ बोल रहे हैं. ये सारी बातें बात की हैं. लॉ के अंदर एक प्रिजम्पशन के साथ चीज़ें की जाती हैं, वो ये है कि हर कोई जानता है कि कानून क्या है और हर कोई इस कानून को जानता होगा. इस प्रिजम्पशन के साथ हम चीज़ों को करते हैं. और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. यानी कि आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि हमें कानून की जानकारी नहीं थी. इसीलिए जब टिकट वगैरह के मामले में कई लोग इस बहाने को बनाते हैं तो वहाँ पे वो काम नहीं करता है. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मर्सेंटाइल लॉ, या फिर हम उसको कॉमर्शियल लॉ भी बोलते हैं. सी, मर्सेंटाइल लॉ इज़ नॉट अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ. कोई अलग ब्रांच नहीं है वो लॉ की. बेसिकली ये एक पार्ट है सिविल लॉ का, जो कि डील करता है राइट्स और ऑब्लिगेशंस के साथ, जो कि मर्सेंटाइल पर्सन्स होते हैं, उनकी जो भी मर्सेंटाइल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनमें से जो भी निकलते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्सेंटाइल प्रॉपर्टी. ओके, नाउ इट इंक्लूड्स लॉज रिलेटिंग टू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप्स, कंपनीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस, कैरिज ऑफ कोर्ट्स, आर्बिट्रेशन एटसेट्रा. इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं. अब कई सारे लोग पूछ रहे होंगे कि ठीक है, अभी मैंने थोड़े पहले एक टॉपिक कहा था, वी विल बी डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ लॉ. हम लोग सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करेंगे. तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ क्या हैं? ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ मर्सेंटाइल लॉ, दे आर फोर: इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ, इंडियन स्टैट्यूट लॉ, देन कस्टम एंड यूसेजेस, एंड जुडिशियल डिसीजंस. अगर हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, इंग्लिश लॉज जो है वो प्राइमरी सोर्स है इंडियन मर्सेंटाइल लॉ के. मीन्स इंग्लिश लॉज आर बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड यूसेजेस ऑफ मर्चेंट्स इन इंग्लैंड. जो इंग्लैंड के थे मर्चेंट्स, उनके जो भी कस्टम्स और यूसेजेस थे उसके बेस पे वो बने हुए हैं. लेकिन हमारा प्राइमरी सोर्स किस लिए है? क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ पे ब्रिटिश राज था, उस टाइम से जो लॉज बनने, मतलब उस टाइम से लॉज वगैरह बनना शुरू हुआ, उस टाइम से हम लोगों ने जानना शुरू किया कि कानून का किस तरह से होते हैं, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं सारी चीज़ें. तो इसलिए प्राइमरी सोर्स वहाँ से एक छाप बनती चली गई. उसके बाद आपका आता है सेकंड, इंडियन. इंडियन की अगर बात करते हैं तो कई सारे एक्ट्स हैं जो कि पास किए गए हैं इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा, तो मेन सोर्सेज बन जाते हैं मर्सेंटाइल लॉ के. एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, देन द कंपनीज एक्ट 1956. जुडिशियल डिसीजंस की अगर हम बात करें, पांच जुडिशियल डिसीजंस जो थे इंग्लिश कोर्ट्स के या फिर इंडियन कोर्ट्स के, वो भी एक सोर्स है लॉ का. वेयर एवर द लॉ इज साइलेंट ऑन अ पॉइंट, द जज हैज़ टू डिसाइड द केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस. द पास्ट जुडिशियल डिसीजन आर फॉलोड बाई द कोर्ट्स वाइल डिसाइडिंग सिमिलर केसेज बिफोर दैम.
ओके कोई भी अगर सिमिलर केसेस है तो जो पास्ट जुडिशियल डिसीजंस रहे होते हैं उस टाइप के केस के लिए उनको जो कोर्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं उनके ऊपर जजमेंट देने के लिए। इसीलिए मैंने आपको जब प्रायर हम लोगों ने वीडियोस जिनमें हमने पढ़ा है तो उनमें हमने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को हमने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा था। वो उसका रीज़न भी यही था कि उसके वो उनका जो पुरानी जजमेंट्स होती हैं उनको लोअर कोर्ट्स यूज़ करते हैं फॉर द सिमिलर केसेस टू गिव देयर जजमेंट्स। ओके नाउ नेक्स्ट इज कस्टम्स एंड यूसेजेस। द कस्टम्स एंड यूसेजेस ऑफ अ ट्रेड आर ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ मर्सेंटाइल लॉ इन इंडिया। These customs and usages govern the merchants of a trade in their dealings with each other. Some acts passed by the Indian legislature recognizes the importance of such customs and usages. For example, Section 1, Indian Contract Act 1872 का जो Section 1 है वो उसमें लिखा हुआ है Nothing contained there shall affect any usage of custom of trade. Similarly, Section 1 जो है Negotiable Instrument Act 1881 का वो कहता है Nothing contained therein shall affect any local usage relating to instrument in an oriental language. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लॉ के जो ये सोर्सेज है। ठीक नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ टॉपिक। ओके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको सभी को पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन है और ये डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ गवर्निंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके एंड सेकंड वन कवर करता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि बेलमेंट प्लज इंडेमनिटी गारंटी एंड एजेंसी। आप एग्रीमेंट्स या आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेली बेसिस पे करते हैं। हम दिन में हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, हम दिन में हज़ारों एग्रीमेंट्स करते हैं। बस ये है कि उन चीज़ों को अगर क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है हमें पता नहीं होता कि ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है या ये भी एक तरह का एग्रीमेंट है। कुछ एग्जांपल्स जो डेली लाइफ से मैं आपको समझाती हूँ ताकि चीज़ों को समझना आसान हो। फर्स्ट एग्जांपल, जब आप एक न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं तब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो न्यूज़पेपर बेचने वाले जो होते हैं वेंडर्स जो होते हैं ठीक है आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक सेकंड, जब आप मिल्क ख़रीदते हैं ठीक है जब आप डेली मिल्क लेते हैं वहाँ पे भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं मिल्कमैन के साथ। थर्ड, जब आप ब्रेड या बटर ख़रीदते हैं शॉप से तब भी आप जो वेंडर है जो शॉपकीपर है आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फोर्थ, जब आप एक बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी आप ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए होते हैं। अब एक नोट है छोटा सा कि जो जनरल लॉ है जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलेट करता है एसेंशियल्स जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हैं उनके साथ। द रूल्स फॉर परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। If I say what is contract, it has been defined in Section 2H of Indian Contract Act 1872. According to Section 2H of Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law is a contract. यानी कि कोई भी ऐसा agreement जो कि law के द्वारा ठीक है जो कि कानून के द्वारा आप enforce करा सकें ठीक वो contract है। अगर दूसरे शब्दों में कहें एन एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको इन्फोर्स कराया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ में उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है इसको एनालाइज करने के बाद हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं या फिर जो चीज़ें हमें अपीयर होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की आफ्टर एनालाइजिंग दिस डेफिनेशंस तो दो एलिमेंट्स हैं मेन कॉन्ट्रैक्ट के। पहला है एग्रीमेंट ठीक है कि उसका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट का और दूसरा उसका एनफोर्सिएबल होना ज़रूरी है उस एग्रीमेंट का कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर हम एक और चीज़ इन अगर इस इक्वेशन की अगर बात करें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको अगर बहुत ही छोटे आसान शब्दों में समझना हो कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्रीमेंट क्या होता है या फिर इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट क्या होता है। अगर आपको ये इक्वेशन समझनी है जो हमने यहाँ पे बनाई है कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है या इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है। तो चलिए अब ये समझते हैं।
दैट व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. दूसरे शब्दों में जैसे कि हमने बताया कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स किया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब जो सेक्शन 2E है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो डिफाइन करता है एवरी प्रोमिस, यानी कि प्रत्येक प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. यानी कि हर प्रोमिस एंड हर सेट ऑफ प्रोमिस, ठीक है, जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, वो एग्रीमेंट कहलाते हैं. अब क्वेश्चन जो एक सामने आपके एक और आएगा कि प्रोमिस क्या होता है, वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B 1872. इट डिफाइंस अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. इसको भी मैं एक क्वेश्चन में लिख सकती हूँ दैट प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस. ओके, अब एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन एन ईजी मैनर. एग्जाम्पल सी, एक एक्स है, ठीक है, वो ऑफ़र करता है वाई को कि मैं आपको अपनी कार बेचने के लिए तैयार हूँ 1,00,000 रुपये में. वाई जो है वो अपना एक्सेप्टेंस देता है कि ओके मैं आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ 1,00,000 रुपये में. ये जो ऑफ़र है एक्सेप्टेंस होने के बाद एक प्रॉमिस बन जाता है एंड दिस प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई. ओके, ये एग्रीमेंट बनाता है इनके बीच में. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय दी अदर. ओके, यानी कि एक एग्रीमेंट में एक पार्टी के द्वारा ऑफर किया जा रहा है और दूसरी पार्टी के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है. दूसरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन में अगर हम इसको बात करें तो एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर या फिर प्रपोजल हम कह सकते हैं, और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर और प्रपोजल. ओके, नाउ what comes next is what is enforceability of agreement. An agreement is said to be enforceable by law. कोई भी agreement enforceable by law तब कहा जाता है when it creates some legal obligations. Parties to an agreement, जो parties होती हैं agreement की, वो bound होती हैं perform करने के लिए उनके promises को, and अगर वो ऐसा नहीं करती हैं या फिर अगर वो breach of contract करती हैं तो जो पहली party है वो उनके ऊपर केस यानी कि उनको स्यू कर सकती है. अब देखिए कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स के अंदर जो यूजुअल प्रसम्पशन होता है वो ये होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो इंटेंशनली मतलब चाहती हैं क्रिएट करना लीगल रिलेशंस. एग्जांपल, एक्स ऑफर करता है अपनी कार बेचने के लिए वाई को फॉर ₹1,00,000. ओके, वाई एक्सेप्ट करता है ऑफर को. अब इस तरह का जो एग्रीमेंट है एक्स और वाई के बीच में वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है. इन दिस एग्रीमेंट, अगर इस एग्रीमेंट के अंदर एक्स रिफ्यूज़ कर देता है वाई को कार बेचने के लिए, मतलब कार देने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, तो जो अदर पार्टी है यानी कि वाई जो है वो कोर्ट में जा सकती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत और उसके ऊपर केस कर सकती है. नाउ अगर ऐसा है कि कोई भी इसमें एक तरह से एक्सेप्शन अगर हम डालें, अगर कोई भी सोशल या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट किया गया है दो पार्टीज़ के बीच में, तो उसके अंदर ये प्रिजम्पशन रहता है कि वो पार्टीज़ एक लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर एंटर होने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था. नाउ इन केस ऑफ अ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जैसा कि आपको बताया कि इसमें एक प्रिजम्पशन रहता है कि पार्टीज़ जो हैं वो नहीं, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का. एग्जाम्पल अगर लें, मैं आपको इनवाइट करती हूँ डिनर के लिए कि आपको मेरे घर खाने के लिए आना है. ओके, एंड आप किसी भी रीज़न से किसी भी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो उस केस में मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकती हूँ कि मैंने खाना बना के तैयार रखा था और वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया और इस वजह से मैं आपके ऊपर केस कर दूँ ताकि मुझे उसमें से जो भी मेरे जो भी मुझे नुकसान हुए हैं वो मुझे पे बैक हो जाए. तो इस तरह से नहीं होता है. सोशल या फिर डोमेस्टिक जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें एक प्रिजम्पशन रहता है कि वो पार्टीज़ का कोई इंटेंशन नहीं था कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट करने का. ओके, और इसके अंदर एक बहुत ही फेमस केस भी है जो कि आपका जानना ज़रूरी है, दैट इज़ वॉल्फो वर्सेस वॉल्फो 1919. इसके अंदर ये था कि एक प्रॉमिस किया गया था हस्बैंड के द्वारा उसकी वाइफ को कि उसको वो मंथली एवरी मंथ वो उसको 30 यूरो भेजा करेगा, ठीक है, जो कि
अनएनफोर्सिबल है पार्टी के अंदर, ठीक। जब वो उसको, उसने प्रॉमिस कर दिया हस्बैंड ने कि उसको 30 यूरो वाइफ को हर मंथ भेजा करेगा, पर क्योंकि कुछ महीने तो उसने स्टार्टिंग में भेजा, बट आफ्टर दैट वो उसको नहीं भेज पाया, ठीक है, पैसे, तो उसने, वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया इस चीज़ के लिए। अब इसके अंदर जो जजमेंट था वो ये था कि जो पार्टीज़ है वो उस, वो जो केस है, ठीक है, ये जो उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो सोशल है एंड वो अनइन्फोर्सेबल है। ओके, अब इसको थोड़ा सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें लाइंस थोड़ा आगे पीछे हैं तो उसको नहीं देखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो मिलके बना है वो दो चीज़ों से है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर ऑफर होता है प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर होता है या फिर प्रपोजल, और इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो कि आउट ऑफ एग्रीमेंट अराइज होती है। सो आई होप दिस इज़ मच मोर क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। द नेक्स्ट वन इज़ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ द लॉ ऑफ ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, दैट इज एन ऑब्लिगेशन विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। एन ऑब्लिगेशन इज़ द ड्यूटी टू डू नॉट टू डू सर्टेन एक्ट्स, ठीक है। ऑब्लिगेशन जो है वो एक ड्यूटी होता है कि वो कुछ सर्टेन कार्य किए जाए एंड कुछ नहीं किए जाए, दोनों चीज़ों के लिए। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसर्न है सिर्फ उन एग्रीमेंट्स के साथ जिनमें पार्टीज़ का एक इंटेंशन होता है लीगल रिलेशंस क्रिएट या फिर लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना, दैट इज़ पार्टीज आर बाउंड टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट्स। इन बिजनेस और कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स ये यूजुअल प्रजम्पशन रहता है कि पार्टीज चाहती है क्रिएट करना लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल के लिए एक्स ऑफर करता है, मैं सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ सो दैट यू गेट द थिंग्स ईजीली, ठीक। देखिए एक्स है एक पर्सन, वो अपनी कार बेचना चाहता है वाई को फॉर रुपीज़ 1 लाख। उसने उस एक्स ने वाई को ऑफर दिया दैट आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर रुपीज़ 1 लाख टू यू। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कॉन्सेंसस एडिडेम होता है, यानी कि जो भी उसमें पॉइंट्स हैं वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट जब आप करते हैं तब वो आपका आप बाउंड होते हैं उसके लिए, ओके। इन दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि जो पार्टीज़ हैं, अगर कोई भी पार्टी, यानी कि अगर एक्स मना कर देता है वाई से कि मैं आपको कार नहीं बेचूंगा उसके एक्सेप्टेंस के बाद, तो यहाँ पे एक्स बाउंड है बेचने के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो, अगर वो मना करता है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है जिसके लिए वाई जो एक्स के ऊपर केस कर सकता है। दूसरी तरह से वाई का भी यही है कि अगर वाई खरीदने से मना करता है आफ्टर एक्सेप्टिंग, तो उसके बाद एक्स, क्योंकि वो बाउंड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है दोनों के बीच में, तो उस केस में एक्स केस कर सकता है वाई के ऊपर। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट्स विच डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। एज आई टोल्ड यू, वहाँ जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे होंगे वहीं पर हम एग्रीमेंट की, वहीं हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन एग्रीमेंट्स के साथ कंसर्न नहीं है जहाँ पे पार्टीज़ का कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है, जैसा कि हम सोशल और डोमेस्टिक जो मोरल या रिलीजियस एग्रीमेंट होते हैं उनमें हम देखते हैं, उनमें कोई इंटेंशन नहीं होता है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमने लास्ट दिया था उसी को रिपीट करते हैं, इफ़ आई इन्वाइट यू अपने घर पे, मैं आपको बुलाती हूँ फॉर डिनर, ठीक है, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यू सेड ओके आई विल कम। अब उसके बाद आप किसी भी रीज़न से कि कोई काम आ गया या कुछ इमरजेंसी आ गया, ठीक है, आप नहीं आ पाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकती बिकॉज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट, वी कैन नॉट इन्फोर्स दैट इन कोड ऑफ लॉ, दैट्स वाई। ओके, नाउ देयर, इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स, देयर टू काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स। फर्स्ट वन इज जो कि क्रिएट करते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस, दैट एग्जाम्पल बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ कवर करता है ऐसे एग्रीमेंट्स को, ठीक है। और जो कि क्रिएट नहीं करते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस, जैसे कि सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, मोरल हैं, रिलीजियस एग्रीमेंट्स हैं, तो उनको जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसे एग्रीमेंट्स को कवर नहीं करता है। बेसिकली हियर वी आर डिस्कसिंग कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मीन्स किस तरह के एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं और किस तरह के एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते हैं। नाउ
The next one is, the law of contract is not whole law of obligations. As I told you, we will be discussing both of them. Okay, so the law of contract is the law of only those obligations which arise out of agreements. The law of contract is not concerned with those obligations which do not arise out of agreements. For example, obligation to maintain wife and children. Obligation arising from judgment of courts, obligation arising from torts or civil wrong. ठीक है, तो इस तरह से अगर इसको समराइज करते हैं और इसको थोड़ा सा और ईजिली अगर समझें, तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं जिनको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कवर करता है या जिनको नहीं करता है, जो कि ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि आउट ऑफ एग्रीमेंट अराइज होते हैं, उनको यस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है, और वो ऑब्लिगेशंस जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होते हैं उनको जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कवर नहीं करता है. Thus, the law of contract is not the whole law of obligations. Okay? यानी कि ऐसा नहीं है कि जो law of contract है, अगर obligation है तो वो contract के अंदर cover होंगी, ऐसा नहीं होता है. अगर वो agreement के through arise हो रही हैं तो ही वो agreement contract के अंदर cover होती हैं, otherwise नहीं होते हैं. बाकी का in the next part of this video we will be discussing some important differences like distinction between agreement and a contract, different types of contract on the on different basis like creation, execution, enforceability, and also the difference between void agreement and voidable agreement, the difference between void agreement and illegal agreement, and also the essentials of a valid contract. So there are so many things to learn. Yes, like, share, comment and subscribe this channel, and thumbs up means do like this video, and also leave your valuable comments that how can I help you with through this channel in your studies or anything you want to know related to this video or any topic or anything related to law, any exam, anything. Thank you for watching. Keep learning.